कामदारा पुलिस ने गांव पिंपी से दो लोगों को उग्रवादी गतिविधियों में संलिप्त रहने के आरोप में गिरफ्तार कर भेजा गुमला जेल। उक्त आशय की कामदारा के थाना प्रभारी कौशलेंद्र कुमार ने आज शनिवार को थाना परिसर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर बताया कि कामदारा पुलिस को विगत 4 मार्च को गुप्त सूचना मिला था कि थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव पिंपी में बांडे चीक बड़ाई के घर के बगल में ताश व जुआ का खेल चल रहा है। इसी सूचना के आधार पर मामले के सत्यापन को लेकर पुलिस गांव पिंपी पहुंची तो वहां पर जुआ खेल रहे लोग पुलिस की गाड़ी को देख भागने लगे। कल शाम को करीब 4 बजे सूचना मिली कि पिंपी में कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं। इसका सत्यापन हेतु सशस्त्र बल के साथ पिंपी के लिए प्रस्थान किया। जहाँ पे पिंपी गांव पहुंचा तो वहाँ पे एक बंडे चिकबड़ाई के उसके घर के बगल में कटहल के पेड़ के नीचे कुछ लोग जुआ का खेल खेल रहे हैं। जैसे ही पुलिस गाड़ी पहुंची वो लोग भागने लगे, तभी साथ रहे बल के साथ दौड़ाकर दो व्यक्तियों को पकड़ा गया, जिसमें नाम पूछने पर क्रमशः अपना नाम आतिशराम और जो सरिता हरिजनटोली का है एवं दूसरा प्रवीण नाग जो पिंपी का है बताया। इनकी जमानत तस्करी लेने पर तास के पत्ते एवं कुछ पैसे बरामद किए गए। आतिशराम के विरुद्ध कमड़ा थाना में पूर्व से भी 36-21 केस दर्ज है एवं जिसमें फिरार थे, पकड़ नहीं आए थे, उनकी गिरफ्तारी की गई है। तो आतिशराम पूर्व में भी 17 CL एक्ट के अभियुक्त रह चुके हैं एवं प्रवीण नाग इस जुआ अधिनियम में इनको भेजा जा रहा है और इनकी गतिविधि भी संदिग्ध है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।